हमारी ब्रांड एम्बेसडर जिनको अभी आपने सुना, मैं भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से तो परिचित था, लेकिन वक्तित्व से आज परिचित हूं। और जो उन्होंने किया है इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ज्वालामुखी को जीतने वाली और सेना में, तो मैं थोड़ी लाइन कहना चाहूंगा उनके लिए कि कौन कहता है आसमां में सूर्यास्त नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सूर्यास्त नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालने करो। उसके प्रति मुक्ति दुल्का जी, डॉक्टर लवकुश जी, इनके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं, जो आप सब जानते हैं, विजनरी प्रोफेसर, इनसे बात करते हैं तो लगता है कि कुछ मिला है हमको। ये भी ब्रांड एम्बेसडर है। विजय श्रीवास्तव जी हमारी उच्च शिक्षा की अधिकारी, श्रीमती रेखा जी, अमित सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, अरुणोदय वाजपेयी जी और डॉक्टर पायलगंज जी उपस्थित, सभी महानुभाव, मातृशक्ति, बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा विलंब से आया, और जो लोग मुझे लेने गए थे वो जानते हैं कि विलंब क्यों हो रहा था। दुर्भाग्य से कहिए, सौभाग्य से कहिए, आज जन व्यवस्था सौभाग्य से, और कल रात 12 बजे से लोग आ रहे थे, कारण मैं 11 बजे आया था आगरा, और आना इसलिए जरूरी था 28 जनवरी की पहले जन्मसरी थी। उस दिन हमारे महाराज श्री ने 2 मीटिंग रखी बहुत बड़ी, 11 बजे से रात 11 बजे तक। इस दिन में नहीं आता तो घर के दरवाजे बंद हो जाते। इसलिए मैं आया, और जब मालूम पड़ गया लोगों को मैं चल रहा हूं लखनऊ से, तो आने वालों का भी सिलसिला शुरू हो गया। उनको छोड़ के उनके स्नेह को उपेक्षा करके नहीं आया जा सकता था, फिर चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जिनकी स्नेह ने यहां तक पहुंचाया है उनका स्नेह का आदर करना भी जरूरी था। इस वजह से ये मजबूरी थी मेरी, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, कोई योगी में बाबा मेरी मजबूरी थी, इसके लिए बदेर हुई मुझे, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात निश्चय बता लिया बाबा जी, सब बेवफाओं को हमें बहाना मिल गया, उन्हें बहाना मिल गया, शेर लेके बच जाएंगे वो। अभी वाजपेयी जी ने और दुल्का जी ने बहुत कुछ बताया है, उन विषयों को मैं टच नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आगरा कॉलेज का भी प्रोग्राम है और वहां पर भी हमको दुल्का जी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, और डॉक्टर साहब को भी किसी कार्यक्रम में रहना है, सरकारी कार्यक्रम लगे हुए हैं, और मेरे घर पे कार्यकर्ता लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी जल्दी जाना है। उन विषयों को टच नहीं करूंगा कि G20 क्यों, या जैसा बताया कि हमारे शहर के आम आदमियों पर उसका प्रभाव क्या, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने उसमें नया कलेवर किया और जिन्होंने शुरू किया था वो क्यों किया होगा, और भारत में
दृष्टिकोण क्या होता है। एक फिल्म आई थी सत्यजीत रे और सोनी संकेत, और उसमें यह दर्शाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही है कहां पर, और कलकत्ता और बंगाल के एक छोटे से गांव में उसका क्या असर आ रहा है एक परिवार पर। सत्यजीत रे जैसा डायरेक्टर हिंदुस्तान में विलक्षण प्रतिभा का हुआ नहीं है, जो उन्होंने दर्शाया था गोल्डन ईगल पुरस्कार मिला था उस फिल्म को, तो वो कारण पूरे विश्व में यदि कोई घटना होती है तो पूरे कोई भी देश में घटना हो रही हो लेकिन पूरा विश्व कैसे प्रभावित होता है ये इसका मूल कारण है। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनने का यूनाइटेड नेशंस बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद जरूरत महसूस हुई इसकी, वरना बिंदास शक्तिशाली लोग विश्व विजय का सपना देखने का ऐसा लग देखने की सोच के निकल जाते और रोकेगा। तो उस समय के मनीषियों को आवश्यकता हुई ऐसा संगठन होना चाहिए जो विभीषिका फैलाने वालों के तलवार को रोक सके। फिर बदला जो अर्थ पत्रिका है कि इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, पूरे एक दूसरे से रिलेशन से हम मजबूत कैसे, पूरी थोड़ी अर्थ में केंद्रित हो रही थी संगठनों नाट हो सी तो हो जो भी संगठन बने उसमें जी सेवे भी था कि आर्थिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें एक दूसरे की सहभागिता कैसे हो, सब साथ कैसे मिलकर चले। लेकिन कहीं से भी वसुधैव कुटुंबकम की ध्वनित नहीं हो रहा था जो भारत का मूल मंत्र है। अर्थ के ढूंढना मानवता का पूरा विकास नहीं है जो मेरे देश का चिंतन है। इसी देश के नया राजनीतिक चिंतन दिया एकांत मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो प्रतिपादन किया था, साम्यवादी विचारधारा यदि घूमती थी तो या तो मजदूर के लिए या पूंजीवाद के लिए हिट करके, लेकिन एकांत मानववाद ने चिंतन किया, हर प्राणीवाद का चिंतन किया। प्राणीवाद का चिंतन करने वाला कोई देश है तो भारत राष्ट्र है, यहां के मनीषी है, यहां के ऋषि है मुनि है, और उसी उन्होंने दृष्टि से रखते हुए जो विचार दिया या जो कुछ अनुसंधान दिया वो सब उसी की देख, ये सब उस सब एकात्मता से अछूते थे ये संख्या। फिर हर एक की अपनी देश का वातावरण की अलग अलग परिस्थितियां होती है, स्थितियां होती है, उसमें से फिर अलग अलग संख्या बनने लगे। जी सेवन के बाद जी ट्वेंटी बना, ये जो इनके आपस में संबंध स्थापित होने चाहिए थे उतने होते रहे, लेकिन जब से भारत ने लीड करना शुरू किया तो इसमें पांच तरह की सोच लगी है। सिर्फ अर्थ की व्यवस्था ही नहीं है, राजनीतिक विकास कैसे हो, राजनीतिक चिंतन कैसे बने, इकोनॉमी इसमें है, इकोनॉमिक विकास कैसे हो, एक दूसरे से सहभागिता कैसे हो, सोशल सामाजिक चिंतन भी है उसकी, सामाजिक चिंतन करते हुए हम कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सके और हमारा समाज उसका ताना वाला बिखरे नहीं, जुड़े और जुड़कर एक प्रसुदम के चिंतन को मजबूत बनाता हुआ विश्व कैसे आगे बढ़ेगा। इसी में लीगल भी है, एजुकेशन
विश्लेषण भी है। तो ये सब चिंतन जब किया गया है तो और इसको देने में कहने में गर्व है कि मेरा नेता मोदी है जिसने इस चिंतन को बंद कराया है। मुझे भी अपनी श्रद्धि की अध्यक्षता में नई दिशा दी है। जब मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, मोदी कहता है तो दुनिया मानती है। ये हो चुका है पूरी और जब अध्यक्षता मिली है तो हर भारतवासी का सीना 56 इंची का हुआ है। अकेला मोदी 56 इंची का नहीं है, हर भारतवासी का सीना 56 इंची का हुआ है। मित्रों, इतना बड़ा अवसर और तंज कसने वाले लोग के भी हमारा क्या लाभ है जो सिर्फ अर्थतंत्र के केंद्र या स्वार्थ तंत्र के केंद्र घूमते हैं, वो शायद ये सोच सकते होंगे। लेकिन मानवता का लाभ जब हमारा मानवता का हित हमारा चिंता सोचता है तब ये बातें छोटी पड़ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। हमने सोची जा रहा कि पिछले दौरान जिस के राज में सूर्य का अंत नहीं होता था, जिसने हम पर कभी हुकूमत की हो, आज वो हमसे पिछड़ गया है, हम 5वें नंबर पे हैं। ये उपलब्धि है हमारे पिछले दौर में। ब्रिटेन पीछे रह गए आर्थिक दृष्टि से, शासनिक दृष्टि से तो हमारा कोई मुकाबला है नहीं। पूरे विश्व कितने समृद्धशाली संस्कृति है हमारी और इसीलिए विश्व गुरु के स्थान पर रहे और आज भी है। और कितना बड़ा परिवर्तन। मैं भी मनी मुखपत्री जी ने मुझको भेजा था पेरिस और नीदरलैंड, वहां गया था और वहीं पेरिस में कभी आज से 25 साल पहले हमारे जीजा श्री जो इंदौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो कभी गए थे अपने एजुकेशन के काम से। तो वो बताते थे कि हम जब कहते थे हम भारत से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, तो बड़ा हे दृष्टि से इग्नोर किया जाता था। आज जब मैं पहुंचा हूं, मैंने कहा हम इंडिया से हैं, ओह फ्रॉम मोदी कंट्री, यूपी से योगी स्टेट। यह है सुंदर सीना छपा। अब देश बदल नहीं रहा है, नया देश बन रहा है, नया राष्ट्र खड़ा हो रहा है। तो विश्व गुरु का स्थापना की ओर बढ़ रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये जी प्रति जैसे मैंने कहा और शौर्य संकेत के बारे में, तो कोई भी घटना होगी अगर G20 को हिंदुस्तान में होने का और मेरे नेता को उसको प्रेजेंट करने का अवसर मिल रहा है, तो इस देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ये निश्चित है, इसको कोई छोड़ नहीं सकता और इसको नीचे तक पहुंचाना कितना बड़ा विजनरी है मेरा नेता। G20 इससे पहले कितने लोग जानते थे, बच्चों तक कैसे बात पहुंचे, आखिर हम कहां पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी कैसे मिले। इसके लिए भी हम सबकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो इस शिक्षा क्षेत्र में रत्न है, दुर्गा जी है, डॉक्टर साहब है, पूरा स्टाफ है, इन सबको जोड़ा गया है। इसको बताएं कि देश को कितना बड़ा गौरव हासिल हो रहा है, देश को कितना बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, नेतृत्व को हमारा कैसे विश्व मान्यता दे रहा है। अब वो सीन भी आपने देखा होगा जब
ट्रंप का वो था कार्यक्रम अमेरिका, और ट्रंप उस तरफ चलने लगे, वहां से जब बस्ते से ऊपर एक तरफ, मोदी जी ने जो पकड़ा और अपने हिसाब से ले, मुझे लगा आज मेरा देश अमेरिका को अपने हिसाब से ले, मेरा दोस्त को अमेरिका ले जाएगा, मेरा देश अमेरिका को अपने हिसाब से चलाएगा। आम सब दृश्य तीन पर देखा होगा, उसमें एहसास कितना बड़ा गर्व का महसूस हुआ था। जब वो बाबा हिंदुस्तान आए थे, अब मैं अपनी बताऊ, अगर मुझे अमित शाह गले लगाए तो मैं ऐसे चाहूंगा, बड़ी पर्सनैलिटी हमारे, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जब वो उतरे हैं तो लगवा शॉल डला हुआ मेरे नेता के कंधे पर, और जो पटक पकड़ के जब मैंने उनको पकड़ा है तो लगा कि हाँ हिंदुस्तान जब जगड़ सकता है, तो ये महसूस हुआ आम हिंदुस्तानी के ध्यान पर। तो ये परिवर्तन है, नया राष्ट्र बन रहा है, उसका संदेश नीचे तक जाना चाहिए, हमको महसूस करना चाहिए, उस गर्व का एहसास होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं। अब तो हम उस शहर के वासी हैं जो गंगा बहती है। नौ जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की उस तारीख बन गया है जब मेरे नेता ने पटक दबाया था, यमुना मैया के शहर में गंगा मैया। देश के वासी है जिस देश में, जब मेरे नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, तो कोई ऐसा ही चलता फिरता झुगला नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, चिंतन करिए यदि हिंदुस्तान जननी क्यों है। राजा राम एक धोबी कहता है यदि कोई आरोप लगाता है तो अपना ग्रस्त जीवन को बर्बाद कर सकता है, उस देश में वो राजा नहीं है हमारे। एक दूर बैठे हुए व्यक्ति की भी आवाज पहुंचती है राजा के दरबार तक, यही लोकतंत्र है। हमारे यहां लोकतंत्र में राजतंत्र है, कई परिवारों के तंत्र कहने को लोकतंत्र वाली है वो संगठन, लेकिन वहां राजतंत्र है, परिवारवादी है, और वह राजतंत्र का लोकतंत्र था ये जब नहीं हमारे देश। कृष्ण के यहां सुधावा पहुंचता है सीधा, एक अकिंचन व्यक्ति और द्वारकाधीश क्या पहुंचता है, ये लोकतंत्र। इसीलिए मेरे नेता कहते हैं ये लोकतंत्र की जननी है। मित्रों, हमको में अपने अतीत पर भी गर्व होना चाहिए, वर्तमान सुधारा है इस पर फख्र होना चाहिए, और नया भविष्य बनेगा, नया भारत बनेगा जिसको विश्व देखेगा, इस पर भी गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।